अध्याय का 24वें वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, गैस है, हमें इस दौड़ में दौड़ना है, प्रभु चाहता है कि दौड़ में हम दौड़े, हालेलुया, और प्रभु परमेश्वर की आराधना करें। कोई कृपया पढ़े प्रेरित काम 20:24। आपने परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। हाँ, उसने दौड़ को और अपनी सेवा को पूरी, अपने प्राण को कुछ नहीं समझता हो गया, लेकिन मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ, गवाही देने के लिए जो सेवा मैंने पाई है, जो दौड़ मैंने पाई है, उसको मुझे पूरा करना है। प्रियो, हर एक व्यक्ति को इस जीवन में अपनी दौड़ दौड़नी है। जब मैं छोटा था तो स्कूल में था, सेंट जेवियर स्कूल में, तो हम जाते थे दौड़ने के लिए, हमारी जो है दौड़ लगती थी। हम मुझको हर एक को एक ट्रैक दिया जाता था सफेद दोन लाइन के बीच में, और हम खड़े होते थे और उसमें हम दौड़ते थे। उस ट्रैक के बीच में दौड़ना है, हमको पीटी टीचर ने बताया था। अगर आप उस अपने ट्रैक को छोड़ दोगे, किसी और के ट्रैक में जाओगे, चाहे आप फर्स्ट नंबर से भी जो है दौड़ जीत ली है, तो आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपको दौड़ने का एक नियम है, अपने ट्रैक में दौड़ो, अपने उसी समय में दौड़ो। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, बहुत बार बहुत सारे लोग जो है अलग अलग लोगों की मिनिस्ट्रियों में घुस के अलग अलग गलत काम करना चाहते हैं, अलग अलग परिवारों में घुस के वहां पे आग लगाना चाहते हैं। ये सब क्या है? योग्य ट्रैक में ना दौड़ने के कारण। किसी के गाड़ी के ऊपर ये जो फेविकॉल डालना, किसी के, सब शैतान से भरे हुए लोग और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग ये सब काम करते ना। तो लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपना जो है पूरा ध्यान से अपने ट्रैक में दौड़ना है। बाइबल में लिखा है, जो दौड़ और जो सेवा मुझे दी गई है उसको मैं पूरा करूं। आज हमें प्रभु ने जो है ये दौड़ दी है और सेवा दी है, और इस सेवा को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको कहता है। हालेलुया, कितनी खुशी की बात है कि प्रभु हमको इस सेवा में बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, और प्रभु अपनी महिमा आपके जीवन के द्वारा लेना चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 9:26 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो, तुम भी ऐसे दौड़ो कि तुम जीत सको। आज हमें ऐसे दौड़ना है कि हम जीत सके। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम जो है जीतने वाले लोग बने। प्रभु परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप जो है हारने वाले बने, लेकिन ऐसा दौड़ो कि तुम जीत सके। हालेलुया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है जीतने के लिए ये दौड़ जो है प्रभु ने हमको दी है। हालेलुया, अब ये पहली बात जो मैं बताना चाहता, पहला पॉइंट मेरा ये है कि प्रभु ने ये दौड़ दी है, प्रभु ने ये सेवा दी है। दूसरा पॉइंट मेरा ये कि ये दौड़ बेठिकाने नहीं है, बेठिकाने नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं, ऐसे पागल जैसे कहीं भी जब पागल कुत्ते से दौड़ना शुरू करते हैं तो वैसे दौड़े ना। हम जब बच्चे थे तो वैसे करते थे, हम जब बच्चे थे तो आते थे, और जो है आजकल के बच्चों को बाप रहे तो इतना बिजी हो गए वो लोग, और ये करो ट्यूशन जाओ, ये करो वैसा करो वैसा करो। हम आते थे शाम को 4 बजे, बस्तर डाल दिया, निकले घूमने के लिए। कहाँ जा रहे भैया? मुझे को पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे को पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ देखता हूँ कौन सा दोस्त मिलता है कहाँ जाता है, और वहां पे जाते थे। हमारे पास कोई काम धंधे नहीं होते थे, पढ़ाई के लिए मैं लेके बैठे थे शाम के समय, लेकिन दिन भर जो मस्त घूमो फिरो और इधर जाओ। हमारे पास तो, हमें तो जंगल के एरिया के पास ही रहते थे, ऐसा कोई भी पेड़ नहीं था कि जिस पेड़ पे मैं ना चढ़ाऊँ, ऐसा कोई कुआं नहीं था कि जिस कुआं में मैं ना तैरा हूँ, सारे कुएं में तैरता था, ऊपर से छलांग लगा देते। और जो है वो पाइप जो किसान लगाता है ना, वो पाइप जिससे जो है खेती को पानी जाता है, तो उस पाइप से चढ़ चढ़ के फिर उतर आ जाते थे। एक बार तो वो पाइप भी जो है गायब कर दिया उसने, पता नहीं वो ठीक करने के लिए निकाला उसने, मैं जब गया देखा तो कोई जो है देखा तो जो है मैंने कहा चलो चलो नहा लेंगे, ऊपर से कूद गया नीचे, और जब कूदा भरपूर तेरा, मैंने चलो ऊपर चलते देखता हूँ पाइप का है नहीं कहीं ना।
अरे पाइप नहीं क्या करे क्या करे क्या करे। और धन्यवाद हो प्रभु का कि जो है वो बहुत दूर नहीं था, वो जो है मेरे घर से बहुत दूर नहीं था। मैं चिल्लाने लगा, अरे कोई है क्या? अरे तो वहां पे एक आदमी, एक जो है लड़का आता है, देखता है, अच्छा तेरे भाई को बताता हूँ। वो गया मेरे भाई को जाके बताया, तुम्हारा भाई ना वो कोल में अकेला पटक पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है वो। तो फिर भैया मेरे बड़े भाई आए, बड़े भाई आए, फिर गुस्सा क्या, रस्सी दे दी, रस्सी से निकाला, दो चार झावड़ भी मारे। और फिर बाद में तो खैर ये सब बातें मुझे याद आती है, बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे हमने अपना बचपन बड़ा सुंदर किससे गुजारा। हालेलुया, अभी यहाँ पे पोल्यूशन में आ चुके हैं, प्रभु ने दिल्ली में बुलाया है तो आ गए हम सेवक के लिए। अच्छी बात है, आपको भी प्रभु ने यही भी बुलाया है, दिल्ली जीतना है आपको। हालेलुया, ताकि प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु ने आपको यहाँ पे जन्म दिया, आपको यहाँ पे रखा, ताकि आप परमेश्वर का काम पूरा कर सके, आप परमेश्वर की जो दौड़ है उस दौड़ को पूरी कर सके। हालेलुया, तो ये दौड़ जो है वो बे ठिकाने नहीं है, हमारे पास एक लक्ष्य है। क्रूस ही तेरा निशान, और निशान है, उस निशाने की और मैं दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया, हमारा निशान और कहीं नहीं है, हमारा निशान यह है। लोग जो जीते हैं वो पैसे के लिए जीते हैं, लोग जीते हैं वो जो धन संपत्ति के लिए, या पता नहीं अलग अलग उनके जीवन के जीने का जो है जो लक्ष्य होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोगों का लक्ष्य जो है वो एक ही है कि मुझे यीशु मसीह के जैसे बनना है। हालेलुया, ये दौड़ बेठिकाने नहीं है। पहला ग्रंथियों 9वां अध्याय का जो है 26वां वचन दिखा कि जो है हर एक पहलवान, हालेलुया, जो संयम करता है, एक तो मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने वाला, मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु बे ठिकाने नहीं, मैं दौड़ता हूं लेकिन बे ठिकाने नहीं, मैं इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा में हवा पीटता हुआ लड़ता है। हवा पीटता हुआ लड़ता है मतलब पता है, मतलब जो है वो मुक्के ऐसे मुक्के मारते हैं हवा में, हुँ, हुँ। मुझे याद है जब मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलते खेलते जो है कभी कभी कुछ बॉलर जितने फास्ट बॉलर होते हैं, बहुत बॉल जल्दी दिखते नहीं कहाँ पे आए, कभी स्टंप लगे एकदम बोल कर देते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जबरदस्त जो है बॉलर लोगों के लिए हम क्या करते थे, जो है जैसे बॉल आया ना तो समझ भी नहीं आता कि बॉल कहाँ से आएगा, क्योंकि एक बार बॉल आने के बाद में वो जो है लेग कौन सा स्पिन करेगा, इधर करेगा इधर करेगा पता नहीं। हम तो भैया जो है जहाँ पे गिरने वाला वहीं पे हाथ लगा के जो मारते थे उसको बोलते थे, अब दिखता नहीं था वो बॉल कहाँ पे, ऐसे मार हम बोलते थे इसको अंधी वैली शॉट, अंधी वैली शॉट को मतलब बालों को अम्बर आउट में बोले अंधी वैली क्यों मार रहा है, देख के मार। मुझे बोलते थे अरे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा बॉल कहाँ से आ रहा कहाँ जा रहा है। तो जो है हम ब्रदर राकेश हम तो जो है खेलते थे ना क्रिकेट, जो है अभी से पढ़ गया बैट वहाँ पे, तो जो है खैर तो हम अंधी वैली मारते थे अंधी वैली। तो वैसे बॉस यहाँ पे लिखा ना कि हम मुक्के मारते हैं बे ठिकाने नहीं, मुक्कों से लड़ता हूँ लेकिन हवा में पीटते नहीं, लेकिन जो है पूरे निशाने की ओर। आज आपका जीवन और मेरा जीवन हवा में नहीं है, निशाने की ओर हम जा रहे हैं, परमेश्वर की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम हालेलुया ये काम करने वाले लोग बने, ये निशाना हालेलुया हमारा निशाना प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, यस। और हम प्रभु परमेश्वर की ओर बढ़ते हुए, प्रभु परमेश्वर की सेवा करते हुए हालेलुया हम आगे बढ़ रहे हैं। और कोई कृपया पढ़िए फिलिप्पियों 3:12-13 वचन। ये मेरा मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, हाँ परंतु उस बात के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ ये जो है मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, भैया प्रभु यीशु ने आपको पकड़ा हुआ इसलिए आप यहाँ पे आए हो। प्रभु यीशु मसीह नहीं पकड़ता तो हम यहाँ पे नहीं आते। हालेलुया, तो जिस बात के लिए परमेश्वर ने मुझे पकड़ा था उसके लिए हालेलुया मैं जो है उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया, तो हमारा दौड़ना बे ठिकाने नहीं है, लेकिन हमें पता है कि क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ दौड़ना है,
क्या क्या करना है। हालेलुया यस। तो परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर के वचन में बताता है कि कैसे हमें जो दौड़ना है, बेठिकाने नहीं दौड़ना है, पूरा लक्ष्य लेके दौड़ना है। ये दौड़ परमेश्वर ने हमको दी है, हालेलुया, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस दौड़ को अच्छी तरह दौड़ने वाले बन सके। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं। यहां पे पौलुस अपने प्राण को कुछ नहीं समझता था। आजकल लोग अपने प्राण को ज्यादा समझ ध्यान देते हैं, जो है इसलिए बाइबल में लिखा है जो अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, जो उसे खोना चाहे, जो उसको प्रभु के लिए खोना चाहेगा वो उसे पाएगा। मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, ये लेवल हमारा आना चाहिए कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो परमेश्वर ने अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से मैंने पाई है। हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रभु परमेश्वर के पास आना है। प्रभु मुझे सहायता करके मैं अपने प्राण को भी तुच्छ जानूं। हमें अपने प्राण को तुच्छ जानना है और प्रभु को प्यार करना है। बहुत सारे लोग जो है अपने प्राण को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन प्रभु ने हमको उसके काम के लिए यहाँ पे भेजा है, उसके काम के लिए हमें भेजा है। हमारा एक व्यक्ति है जो है उसका नाम ताहिर है और वो वेल्डर है, इतना जबरदस्त काम करता है, कहीं भी कुछ भी बोल दो उसको वो काम जैसा करेगा, दो तीसरी बिल्डिंग, दो तीसरी मंजिल पे चढ़ेगा, पता नहीं कैसे कैसे चढ़ेगा वो, यहाँ से करेगा वो करेगा वो करेगा, तो वह किसी न किसी तरीके से वो जुगाड़ कर ही देता है। जुगाड़ उसका लोग गुस्सा लोग उसको बोलते हैं जुगाड़ू है ये जुगाड़ू। तो उसको जो है वेल्डिंग आती है, उसको प्लम्बिंग आती है, उसको जो है मिस्त्री काम आता है, सारे काम उसको आते हैं। उसको मैंने भैया तू यहाँ पे रहे और तू देखता रहे सारे काम, तुझको मैंने मैनेजर ठहरा यहाँ पे, तो यहाँ पे रहे और बहुत अच्छा काम कर। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमको, हालेलुया, वो अपने प्राण की कोई चिंता ही नहीं करता कि गिर जाएगा, मर जाएगा, क्या हो जाएगा। दूसरे को बोलते तो नहीं नहीं भैया उतना इतना ऊपर नहीं, ये बंदा अच्छा होता जा रहा है एकदम जाएगा वहां पर सब काम करेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यह सब अच्छा बनता है जो है। उसी प्रकार प्रभु ने हमको भी काम पे रखा है। मैं वही सोच रहा था कि प्रभु ने मुझे भी काम पे रखा है और मुझे भी ऐसे अपने प्राण को तुच्छ जान के परमेश्वर के काम को पहला स्थान देना है, परमेश्वर के काम, परमेश्वर को खुश करना है। जैसे वो ताहिर मुझको खुश करना चाहता है, मैं यीशु को खुश करूं। हालेलुया। मेरा मालिक यीशु मसीह है। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम प्रभु परमेश्वर की, हालेलुया, आगे बढ़े। बाइबल में लिखा है यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे मेरे भाइयों, मेरी यह भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं, केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहां बुलाया? परमेश्वर ने स्वर्ग में बुलाया। अब वो जो है एक परिवार आज जो है मुझे पहली या दूसरी सभा मिले और वो कह रहे कि हमको जो है दो तीन दिन से झगड़े करते जा रहे हैं, पति पत्नी कहे ऐसी बात हो रही, तू झगड़े करते जा रहे हैं, क्या करे पता नहीं, ये ऐसी बात हुई, ऐसी ऐसी बात हुई। फिर उनको समझाया मैंने प्यार से, उनको बताया कि तुम्हें झगड़ा नहीं करना है, प्यार से करना है। हालेलुया। हमारे परिवार में हम जब संबंध कैसे बनाते हैं, कैसे अच्छे रखते हैं संबंध, है ना। अगर हम आप अगर वो पुरानी बातें बस वही जो है कैसे घुमाते रहोगे तो आपके संबंध आपके परिवार के साथ अच्छे नहीं होंगे। लिखा है कि जो पुरानी बातें हैं वो जो पांच बातें पीछे रह गई है उनको भूल लूंगा और आगे की ओर बढ़ता रहूंगा। अगर मैं पीछे यहाँ पे मैं हूँ और मुझे आगे बढ़ना है तो मैं आगे जो है स्टेप लेके आगे 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 बढ़ते जाऊंगा, पीछे की बातें तो मैं छोड़ दूंगा। उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में, हालेलुया, पीछे की बातें, पीछे की जो है दुर्घटनाएं,
पीछे की जो है गलत बातें या पीछे की बड़े हाथ से इनको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है वही 25 साल पहले पुराना गीत गाते, अरे 25 साल पहले ऐसा हुआ था, अरे भैया क्या बताया आपको, उसी से दिमाग खराब कर देते हैं, अरे भैया क्या बताया आपको, और वो सारी कहानी बताएंगे आपको आधा घंटा लगा दे, और वो कुछ उसमें कुछ तुक नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार बेकार में आधा घंटा इसमें व्यतीत किया, वो 20-25 साल पुरानी कहानी और उसके मन की कड़वाहट अभी तक उस व्यक्ति के लिए गई नहीं है। और लेकिन हम जो है पुरानी बातें जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। तो आप अपने जीवन में पुरानी बातें, पत्नी ने क्या किया था, पति ने क्या किया था, बच्चों ने क्या किया था, माता पिता ने क्या किया था, ये क्या किया था, पड़ोस ने क्या किया था, सब भूल जाओ और हमें उस निशाने की ओर जाना। हमारा निशाना प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने जैसे सबको माफ कर दिया, हमको भी सबको माफ करके हमें उस निशाने की ओर दौड़ा चलना है ताकि वो इनाम पाओ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया है। कितनी अच्छी बात है कि आप सबको और मुझको ऊपर बुलाया प्रभु ने, और इसलिए ये सेवा का काम, ये दौड़ पूरी करनी है और दौड़ पूरी करके हमें आगे बढ़ना है प्रियो। हालेलुया। तो हालेलुया, कितनी खुशी की बात है, कैसे ये दौड़ पूरी करनी है। हालेलुया, फिर धीरज के साथ ये दौड़ पूरी करनी है। बाइबल में लिखा है कि धीरज जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुतों के जीवन में धीरज नहीं होता ना, धीरज है मुश्किल है। पहला कुरिन्थियों 9:24, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सब दौड़ते तो सभी है परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, वैसे दौड़ो कि तुम जीतो। वो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए लोग सब कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते, 4-4, 5-5 घंटे वो जिम में जाते भाई, जो तैरने वाले जो है 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पानी में रहते हैं। अब वो जो है गोल्ड मेडल चाहिए उनको। देखिए मुरझाने वाले मुकुट के लिए कर रहे हैं, हम तो उस मुकुट के लिए कर रहे हैं जो मुरझाने वाला नहीं। हम उपास रख रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, उपास प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी चर्बी गायब हो जाती है ना, कड़क उपास करने के बाद। आज सुबह मैं अपनी पैंट देख रहा था, बाबरे इतनी ज्यादा जो है ढीली हो गई, मैंने तो विश्वास ही नहीं कर रहा था, ये कैसे हो गया, ये इलायचीपुर सेवक ही नहीं कर दिया। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि हालेलुया, जो है जब हम परमेश्वर की सेवकाई मिले मगन हो जाते हैं, पूरा मन लगा के करते हैं, प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, बड़ा मजा आता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने आपको भी जिंदगी दी है और इस जिंदगी में परमेश्वर की सेवकाई के लिए करें। हालेलुया, हम तो उस मूड के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, और ये धीरज, बड़े धीरज के साथ दौड़ो, धीरज के साथ दौड़ो। हालेलुया। लूका 8:15, अच्छी भूमि पे के वे हैं जो वचन सुनकर भले और अपने उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। रोमियों 5:3, केवल यह नहीं वरन हम क्लेशों से भी घमंड करते करें कि ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। कितनी अच्छी बात है, हमारे जीवन में अगर क्लेश आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आती है, उस क्लेश में क्या आता है, क्लेशों के लिए घमंड करें। रोमियों 5:3 में लिखा है वरन हम क्लेशों के लिए भी घमंड करें। अच्छा, वो क्लेश मेरे ऊपर आया, कोई कहता है कैसा, लेकिन जो है बाइबल में कहा क्लेशों के लिए भी तुम क्या करो, घमंड करे कि यह जानकर क्लेश के द्वारा क्या आएगा, धीरज से क्या होगा, खरा निकलना, और खरे निकलने से क्या होगी, आशा आएगी, और आशा क्या होता है, आशा से लज्जा नहीं होती। कितनी खुशी की बात है। तो इसलिए हालेलुया, धीरज का काम, ये दौड़ धीरज से दौड़ना है। जो लोग बहुत लंबी दौड़ होती है, जैसे बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, उसके 15 राउंड लगाने हैं, तो वो कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, हालेलुया, जो ऐसे लंबी दौड़ते तो एकदम जोर से दौड़ना नहीं शुरू करते, वो जो दौड़ते 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 धीरे धीरे दौड़ना शुरू करते,
फिर आखिरी दो तीन चक्कर बहुत जोर से दौड़ते हैं और एकदम फर्स्ट प्राइज पे आ जाते हैं। ये लोग कुछ लोग जाते हैं जिनको पता नहीं कि कितना दौड़ना है, वो जोर से दौड़ते हैं दो राउंड के बाद करके पड़ जाते हैं, लेकिन जो आराम के साथ दौड़ते हैं ना तो उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है ये हमारी दौड़, हमें धीरज से दौड़ना है। लिखा है रोमियो 15:5 में, और धीरज और शांति का दाता तुम्हें परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि यीशु मसीह के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। तो ये धीरज के साथ दौड़ना है, बोलिए ये दौड़ धीरज के साथ दौड़ना है। चौथी बात, ये दौड़ को रोकने वाली बहुत सारी चीजें हैं। मैं उस दिन प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते 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 क्या हो गया, शैतान कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस लाता है। मैंने ये स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ नहीं, डू नॉट डिस्टर्ब कर दिया, फिर मैं बैठा प्रार्थना। ये बार बार थोड़ा तो मुश्किल हो जाती, प्रार्थना नहीं होता है। मैं बैठा प्रार्थना है, एक मक्खी आ गई। अब वो दुष्टात्मा से भरी थी कि नहीं भरी थी मुझे पता नहीं। वो बार बार मेरे मुंह पे बैठे, कहीं यहाँ बैठे कभी वहां बैठे, मैं ऐसा कर रहा हूँ ऐसा कर रहा हूँ, बाद में ऐसा करना पड़ा मुझे। खैर वो फिर भी नहीं मिली मुझको, वो निकल गई। लेकिन जो है फिर मैं इधर उधर देखने लगा, कहाँ गई। चैतन्य ने कहा ये तो इसलिए तो भेजा था मैंने उसको कि तुम इधर उधर देखना शुरू करो, तुम प्रार्थना में मन ना लगाओ। ये दौड़ को दौड़ रोकने वाली चीज है जो है लोगों के जीवन में आजकल। आजकल शैतान जो है लोगों के मनों में आके बैठा हुआ है। कैसे बैठा है बताए? शैतान हमारे मन में कैसे बैठता है? वेरी गुड, यस यस यस। और शैतान हमारा हाँ है ना, बार बार मोबाइल पे वीडियो देखता। एग्जैक्टली यार, मेरे पॉइंट आपने ले लिया उससे। वेरी गुड। तो रोकने वाली वस्तु मतलब फोन, टीवी, कुछ लोगों का मोटरसाइकिल। आजकल जवान मोटरसाइकिल, कौन सी मोटरसाइकिल, कौन सा मोटरसाइकिल, आया घुसा घुसा पता नहीं कौन सी मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल, लोग मोटरसाइकिल कितने फैन। मैं कहता हूँ कि मोटरसाइकिल का दुष्टात्मा लग जाता है, ये मोटरसाइकिल। फिर किसी के मन में, किसी के जो है वो ये कार कार कार, छोटे छोटे बच्चे जो है वो कार, ये कार बहुत अच्छी है, मुझे ये कार लेनी है, पॉकेट में 2 रुपए नहीं है, मुझे ये कार अच्छी लगती है, ये कार लूंगा मैं। और वो कार के पीछे वो यूट्यूब पे सारा छान मार दे, वो पूरा 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 क्या है ये, शैतान चाहता है कि आप लक्ष्य से भटके। आपका लक्ष्य यह है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपका लक्ष्य यह है कि आप आपके मम्मी पापा को मदद करनी है, और आपका लक्ष्य यह है कि आप अपने परिवार की मदद करनी है, अपना काम करना है, जाके खेलना है, दौड़ना है, भागना है। वह छोड़ दिया कि कार का दुष्टात्मा लग जाता है, मोटरसाइकिल का दुष्टात्मा लग जाता है, किसी को घर का दुष्टात्मा लग जाता है, किसी को टीवी का दुष्टात्मा लग जाता है, किसी को फोन का दुष्टात्मा लग जाता है, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। ये जो है हाय हाय लग जाती है, किसी चीज की हाय हाय लग जाना ना, मतलब ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो शैतान की दुष्टात्मा है, वो शैतान की दुष्टात्मा है। कभी भी इन चीजों के लिए मत रखो, ये प्रभु के लिए धन्यवाद दो कि प्रभु ने आपको और मुझको जिंदा रखा है। अगर हम जिंदा नहीं होते तो वो क्या मोटरसाइकिल, क्या जो है आया घुसर गया घुसर, ये क्या करे होता, कुछ नहीं होता भाई। हम जो है जिंदा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दो और हमारे जिंदगी के लिए प्रभु की आराधना करो। कितनी प्रभु के साथ संपर्क कर सकते हो उतना संपर्क करो, और प्रभु के साथ जो है योग्य रीति से रहो। हालेलुया। ऐसी रोकने वाली चीजें, हाँ देखो उस दिन जो है एकदम वे छोटी मक्खी ने मेरी प्रार्थना का डिस्टर्ब कर दिया। शैतान किसी को भी इस्तेमाल करता है। आपके दो कभी आते हम प्रार्थना करने के लिए बैठते, घुटने बैठते, फोन आ गया, 1 घंटा उसी में चले गए। अरे बहुत दिनों के बाद आया था। हम जो है सुबह सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठने के बाद क्या करते हैं, हम चाय का पतीला, चाय कहा है, चाय चाय दूध, ए तुम जाओ उठो जुद जाओ मैं चाय करती हूँ, चाय का बदलो। नहीं तो आपका पतीला क्या हो गया, दूषित हो गया। बिना प्रार्थना के
बिना संगति के, बिना प्रभु के हेल्प के हम किचन में जाना नहीं चाहिए। हमें प्रेरित प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे पास्टर डी मोहन वो कहते हैं कि जब सुबह उठते हैं वो बहुत जल्दी उठते हैं, और उठने के बाद में वो कहते हैं 3 घंटे में अपना पांव पलंग के नीचे रखता ही नहीं, प्रार्थना ही करता रहता हूँ, प्रार्थना ही करता रहता हूँ, प्रभु के साथ संगति करते रहता हूँ। प्रभु ने उनको इतना ऊंचा उठाया, पहले वो ऑल इंडिया असेंबली ऑफ गॉड के जो चेयरपर्सन थे, अभी वो ऑल वर्ल्ड वर्ल्ड के असेंबली ऑफ गॉड के चेयरपर्सन बन गए, हमारे इंडिया का बंदा बन गया है। कितनी बड़ी बात है, प्रेयर, प्रेयर वॉरियर, इज अ प्रेयर वॉरियर। परमेश्वर के लोगों इसलिए हालेलुया, ऐसे रोकने वाली चीजें जो हमें शैतान नहीं चाहता, शैतान जलता है आपके ऊपर कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ गया। जैसे जो है किसी ने वो सिस्टर के गाड़ी के ऊपर जो है कुछ कुछ डाल दिया, क्यों? क्योंकि उनके पास ये गाड़ी आए, ये वो देख के जल गए, वो जल गए। ये जलन की आत्मा है, ये जलन की आत्मा है, वो शैतान की आत्मा है। जब आपके पास कोई अच्छी चीज आती है, आलोले आपके पास कोई आशीषित बात आती है, तो वो शैतान जलना उड़ना शुरू कर देता है, और वो आपके विरोध में उसके फिर शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ। हालेलुया, जलने दो उसको, कूड़ने दो उसको, जो करना है करने दो उसको। आप अपने ट्रैक पे दौड़ो, हालेलुया, अपने ट्रैक पे आपको दौड़ना है। लोग चाहे आपके बारे में कुछ भी कहे, लोग आपके चाहे जितने भी बुराई करें, लोग चाहे आपने कुछ भी कहे, आप अपने जो है ट्रैक पे दौड़ते रहना है। दौड़ना मतलब क्या? दौड़ने में बहुत सारी बात है, दौड़ दौड़ो ऐसे बाइबल में लिखा है। दौड़ दौड़ो मतलब चर्च में आओ, दौड़ दौड़ो मतलब प्रचार करो, दशमांश दो, दौड़ दौड़ो मतलब गरीबों की मदद करो, दौड़ दौड़ो मतलब पवित्र जीवन जियो। आज हम यहां पे हैं और उस यीशु मसीह वहां पे हैं, तो हमें आगे चलना है, वो पाप पीछे छोड़ने हैं, और हमें यीशु के और बढ़ना है, पवित्रता के साथ बढ़ के हमें यीशु के समान बनना है। आज जो पाप आपके हैं इनको छोड़ने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि आप उस निशाने की ओर दौड़े जा रहे हो जो यीशु मसीह है। पिछली बातें छोड़कर, पिछले पाप छोड़कर हमें पवित्रता की ओर बढ़ना है। तो ये रोकने वाली चीजें है ना, ये दुष्ट आत्मा है, कोई भी चीजें हो, प्रभु जब देगा तो देगा, आप बोलना। शैतान को बोला, शैतान तो छोड़ दे, छोटा सा कुर्ता, छोटा सा पैजामा, छोटा सा ड्रेस या छोटा सा शर्ट और पैंट के लिए शैतान जो है इतना पागल कर देता है जवान बच्चों को, इतना पागल कर देता है वो जो बड़ों को भी, मुझे ऐसे कपड़ा चाहिए, मुझे पापा ला के दो, अभी चाहिए मुझको, मैं पहनूंगा, मैं क्या सुंदर लगूंगा, हैं? फिर लाते हैं पापा बेचारे, कैसे कैसे पहन लिया, हाँ अब क्या लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है। जो लोग बेचारे दे नहीं पाते, लेकिन वो कैसे कैसे परेशानी होती, क्या ये शैतान जो है कपड़ों का जो है कोड़ लगाया था कपड़ों के कोड़, हालेलुया, और कौन से कोड जो है मैंने बताया था आपको, हालेलुया। तो ये रोकने वाली चीज है जो है दूर करना है। फिर बाइबल में लिखा हुआ है कि कैसे, हालेलुया, गलुसियों 2:18, कोई मनुष्य दीनता, आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। हमें दौड़ के प्रतिफल से वंचित करने के लिए शैतान पूरी कोशिश करता है। आजकल बहुत सारे प्रचारक जो है वो कहते हैं, अरे कौन सा पता है, ये माइकल स्वर्गदूत आया था मेरे पास, मिखाइल स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत। आजकल ये घर में मैं गया, वहां पे स्वर्गदूतों की मूर्ति लटकी हुई थी, उनको लगता है कि ये स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। स्वर्गदूतों की पूजा मना है बाइबल में, स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से कोई तुम्हें वंचित ना करे। किसी की भी पूजा मना है बाइबल में, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि ये रोकने वाली चीजें आपको दूर करनी पड़ेगी। कौन सी चीजें हैं, है ना? ये फोन आपका जीवन खा रहा है। आप जब जवान बच्चों को, जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले हैं, आप उनको, शैतान ने उनके सारे डॉक्टरी इंजीनियरिंग सब निकाल दिया है। क्यों? दिन भर फोन लेकर लेके बैठे रहते हो। जिनको प्रमोशन मिलना है नहीं मिले, क्यों? दिन भर फोन लेकर बैठ जाते हैं। इसलिए उलझाने वाले पाप, बहुत सारे लोगों को प्रचार करना चाहिए, नहीं कर पाते। क्यों? दिन भर फोन लेके बैठ जाते हैं। बाप रे, लिखा है इस कारण जब इब्रानियों दूसरे 12 अध्याय का पहला वचन, इस कारण जब गवाहों का, मेरे पीछे बोले, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रेज द लॉर्ड। तो ये धीरज से दौड़ने के लिए, मतलब उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु, ये रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप है, वो आपको दौड़ दौड़ने के लिए रोकती है और आप दौड़ नहीं पाते। क्यों? इसलिए ये दौड़ने वाली वस्तुओं को दूर करिए। चौथी बात, पांचवी बात, ये दौड़ के सामने हमारे पास एक आशा है, एक प्रतिफल है, एक इनाम है, एक जो है मुकुट है। हालेलुया। और उस मुकुट को पाने के लिए हम ये कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु बाइबल में लिखा है दूसरा तिमोथियुस 4:7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। है ना? पौलुस कहता है कि मैंने अपनी पूरी दौड़ कर ली है। अब जब जो है वो मरने वाला था, मर के स्वर्ग में जाने वाला था, इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हमें भी विश्वास की रखवाली करना है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मतलब जिनका उद्धार हुआ है उन सबको प्रभु मुकुट देने वाला है। आज आप दौड़ रहे हो, कैसी भी दौड़ रहे हो, लेकिन प्रभु आपको क्या देने वाला है? वह मुकुट देने वाला है। हालेलुया। वो धर्म का मुकुट रखा है, वो ना मुरझाने वाला मुकुट रखा है, उस मुकुट के लिए हम दौड़ रहे हैं। कितनी खुशी की बात। फिलिप्पियों 2:16, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। कई सब लोग कह रहे कितना मुश्किल था हर संडे चर्च जाना, कितना मुश्किल था प्रचार करना, कितना मुश्किल था उपास रखना और उपास प्रार्थना में आना, लेकिन मैं अब मैं घमंड करता हूँ स्वर्ग में जाने में। बाद ऐसे कुछ लोग होंगे जो कहेंगे अब मैं घमंड करता हूँ कि मैंने ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवकाई करी है, ईमानदारी के साथ चर्च में गया, ईमानदारी के साथ अपना दशमांश दिया, थर्सडे प्रेयर में गया, मैंने प्रचार किया, मैंने इतने लोगों को लाया। मुझे मसीह के दिन मुझे घमंड का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सुंदर वचन हमारे पास आया और इस वचन को हालेलुया हमें ग्रहण करना है। तो ये वचन आज मैंने पहली बात बताई कि प्रभु ने हमें ये दौड़ और सेवकाई दी है। दूसरी बात, ये दौड़ बेठिकाने नहीं है, निशाने की ओर है। कैसा दौड़ना है? धीरज के साथ दौड़ना है। दौड़ को रोकने वाली कौन सी चीज है? वो सब हटाने है, आपको हटानी, आप अपने जब जीवन में वो चीजों को हटाएंगे। और दौड़ के सामने एक आशा है, एक मुकुट है, एक घमंड का कारण है, ना मुरझाने वाला मुकुट है। आइए हम दुआ करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के और परमेश्वर राज परमेश्वर नासरी के नाम से आपके पास आते पिता, और हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु सुंदर दिन के लिए, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। आइए प्रिय हम सब खड़े हो जाए। हालेलुया। प्रभु आज मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक व्यक्ति को आज आशीषित कर, एक एक व्यक्ति के बंधन तोड़ दे,
और प्रभु जो दौड़ तूने हमको दी है, जो सेवकाई तूने हमको दी है, इस सेवकाई को प्रभु बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए और जिम्मेवारी पूरा करने के लिए सहायता कर। वो 20-20 लोगों का प्रभु परमेश्वर पिता प्रोजेक्ट, वो 20-20 लोगों का टारगेट्स प्रभु हर एक को दिया गया है, वो प्रभु परमेश्वर वो पूरा करे, उनके लिए वो प्रार्थना करे प्रभु, ऐसा यीशु के नाम से हो। प्रभु आज जो लोग बीमार है, परेशान है, तकलीफ में, मुसीबत में, सब परेशानी दूर कर, हर तरह की महिमा हो। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह अपने तक बनी रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करें। मैं बाहर आ